नहीं टूटा नताशा हार्दिक का रिश्ता। तलाक के रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने किया कुछ ऐसा कि फैंस ले रहे राहत की सांस। पिछले कुछ समय से नताशा और हार्दिक अपने तलाक के रूमर्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं इन सब के बीच एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि फैंस हैरान रह गए हैं। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। कहा जा रहा था कि कपल की शादी ठीक नहीं चल रही है। हालांकि नताशा और हार्दिक ने इसे लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं नताशा और हार्दिक की चुप्पी ने इन अटकलों को और हवा दे दी। इन सब के बीच नताशा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है कि जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। नताशा हार्दिक का रिश्ता नहीं टूटा। दरअसल तलाक के रूमर्स के बीच नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हार्दिक के साथ अपनी सभी तस्वीरें रीस्टोर कर दी हैं, जिनमें वैलेंटाइन डे, उनकी शादी जैसे तमाम खास पलों की फोटेज शामिल हैं। वहीं कपल की तस्वीरों को फिर से एक साथ देखकर फैंस राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि नताशा द्वारा तस्वीरें हटाने और दोबारा रिस्टोर करने के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। क्यों फैली थी नताशा हार्दिक के तलाक के रूमर्स? बता दें कि नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के तलाक की अफवाहों ने तब जोर पकड़ लिया जब एक्ट्रेस ने अपने नाम से पांड्या सरनेम हटा दिया और अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी थी। इस बीच हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या ने अपने बेटे और हार्दिक और नताशा के बच्चे अगस्त के साथ खेलते हुए एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी शेयर की थी। इसके बाद रूमर्स फैल गए थे कि नताशा और हार्दिक की शादी ठीक नहीं चल रही है और नताशा अपने बेटे को जेठ जेठानी के पास छोड़कर चली गई है। वहीं सेपरेशन के रूमर्स के बीच नताशा लगातार क्रिप्टिक पोस्ट कर रही थी, जिससे उनके और हार्दिक के तलाक की अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया था। नताशा हार्दिक ने दो बार की है शादी। नताशा और हार्दिक ने मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान शादी की थी। वेडिंग के दो महीने बाद ही कपल ने अपने बेटे अगस्त्य को वेलकम किया था। वहीं इस जोड़ी ने पिछले साल 14 फरवरी को क्रिश्चियन वेडिंग की थी। इस दौरान उनका 3 साल का बेटा भी उनकी दोबारा हुई शादी में शामिल हुआ था।